बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब मुस्तर पूर्णवी का हाल अजीब व गरीब है। वो कब किधर की बोलेंगे उसका अंदाज़ा उन्हें खुद भी नहीं रहता। वो पढ़े लिखे बासलाहियत आलिम हैं, अपने इल्म और सलाहियत का इस्तेमाल वो ऐसे ही करते हैं जैसे कोई एडवोकेट करता है। एडवोकेट का अपना कोई मिजाज होता है न फिक्र, और अगर वो किसी ख़ास फिक्र का हामिल होता भी है तो मजबूरी होती है कि वो उसकी पाबंदी नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर वो अपनी फिक्र पर अड़ा रहे तो उसे कोई मुकदमा नहीं मिलेगा। इस वजह से कत्ल का मुकदमा हो, रेप का मुकदमा हो, जायदाद हड़पने का इल्ज़ाम हो, एडवोकेट हर तरह का केस लड़ता है और उसकी कोशिश होती है कि वह अपने मुल्ज़िम का कमा हक़ सफाई पेश कर सके इस बात के वो चार्ज अपने मौकिल से वसूल करता है। कुछ यही हाल मुफ्ती मज़कूर का है कि इसी वजह से कभी किसी चीज़ को गलत साबित करने के दलाइल के अंबार लगाने वाले इसी बात को किसी दूसरे के लिए सही होने का सबूत पेश करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। यही मुफ्ती साहब कल तक बरेली शरीफ का नाम लेकर लोगों को ज़ेर करने में पेश पेश रहते थे। इधर कुछ सालों से जब से बरेली शरीफ से अज खुद दूर हुए हैं, अब वो मसालेहत सुलह पसंदी और वहाबियों देवबंदियों शियों से इत्तेहाद की वकालत करने में अपनी इल्मी जुलानियत दिखा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो मौलवी साहिबान बात बात पे बद मजहबों से कलमा के नाम पर इत्तेहाद की राग अलापते हैं वो अहले सुन्नत के आपसी इत्तेहाद की बात क्यों नहीं करते। अगर सारे सुन्नी ही नहीं बल्कि सिर्फ़ मुफ्ती मतीउर रहमान साहब के फ़िक्र के हामिल 50% अफराद मुत्तहिद हो जाएं तब भी बहुत कुछ हो सकता है। सारे कलमा को फ़िरक़ों को इकट्ठा करने की फ़िक्र में मुनहमिक हज़रात इस बात की कोशिश करें कि जो जहां है वहीं के सुन्नियों के साथ इत्तेहाद करें। वैसे भी माजी में जब जब इत्तेहाद फ़र्क की किसी नए तहरीक चली है तो इख्तलाफ और बढ़ा है। जैसे इब्तिदा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में कुछ अपने लोग शरीक हुए, लेकिन जब एहसास हुआ कि इस किस्म का इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए नुकसान का बायस है तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस के नाम से अलग तंजीम बनाई और मुफ्ती मतीउर रहमान साहब का ज़हूर आम तौर पर इख्तलाफ के दौरान होता है, जिसको कभी वो गलत साबित करने के दाव पेच इस्तेमाल करते हैं, कुछ अरसे के बाद उस गलत को सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। आजकल वो बरेली शरीफ से नाला चल रहे हैं और कभी नाम निहाद सूफ़ी अबू सईद सैयद सरावा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं तो कभी अब उबैदुल्लाह आज़मी साहब की बेगुनाही साबित करने निकल पड़ते हैं तो कभी नसीम अख्तर ओडिसवी का फ़ैसला पलटने के लिए कमर कसते हैं तो कभी आले रसूल भद्र की साहब की हिमायत में कमर बस्ता नज़र आते हैं। नसीम अख्तर उर्फ नसीम सरकार के ख़िलाफ़ हुजूर शाहरे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी का फतवा कुफ्र है। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने जिसकी तकफीर का फ़ैसला महसर उल्मा से उल्मा में किया, मौलाना आले रसूल भद्र के ख़िलाफ़ कोई मुफ्ती मतीउर रहमान साहब ने तौबा रुजू का हुक्म दिया लेकिन कब और कैसे मुसालहत कर ली उसका पता नहीं चला। बहरहाल आजकल हज़रत मुफ्ती साहब हर उस शख्स और जमात के वकील सफाई हैं जो बरेली शरीफ के ख़िलाफ़ है। कब किधर की बोलेंगे उन्हें खुद भी ये पता नहीं होता। वकील अपनी फेस पर लेकर मुकदमा लड़ता है, कुछ यही हाल मुफ्ती साहब और उनके हम ख्याल लोगों का है। एक मिसबाही आलिम ने मुफ्ती साहब से के हवाले से बताया था कि उनके वालिद भी देवबंदियों के हम ख्याल थे,
मुफ्ती साहब खून के आंसू पढ़कर बरेलवी फ़िक्र के मदरसों में पढ़ने गए थे, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत मुफ्ती साहब की मसलकी सोच कितनी पुख्ता हो सकती है। अज़क़लम अनीस आलम सीवानी, लखनऊ, 12 फरवरी 2024।